Hello everyone, welcome back once again to the series of IUPAC nomenclature of organic compound. Myself Baldev, and our today's topic is writing the name of organic compound including those functional group which are not considered as 2 degree suffix. They are considered as 2 degree prefix, not as 2 degree suffix. And lastly, we'll study how to write the name of organic compound, basically those organic compound which are aromatic in nature, means those who are benzenoids. Okay, so let's start. See, last में जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं, अगर जो आपने पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले IUPAC की सारी वीडियो देखिए। अगर आप सीधे यहाँ पे जंप करते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, ओके? अगर जो आपको कुछ नहीं मालूम तो स्पेशली अब ध्यान रखिए मेरी बात, एक बात सुनिए ध्यान। ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली इसका सेकेंड पार्ट। स्टार्टिंग में जो चलेगा वो तो ठीक है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सेकेंड पार्ट इसका जब मैं एरोमेटिक की तरफ पढ़ूंगा, बेंजेनॉइड्स की तरफ पढ़ूंगा, तो उनके जब हम नाम लिखेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे कॉमन नेम लिखना है उनके, बहुत सारे IUPAC नेम तो लिखेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल आएंगे जो जेई में बहुत पसंद है जेई को, इवन अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वो आते हैं। कई सारे उसमें ऐसे मिलेंगे जो हर साल किसी न किसी फॉर्म में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आपको यहाँ पे। चलिए, तो अभी तक हमने वो सारे नाम लिख दिए IUPAC के जिनमें वो वाले फंक्शनल ग्रुप थे जिनको एज अ 2 डिग्री प्रीफिक्स काउंट किया जा रहा था, है ना? अब कुछ ऐसे हैं जिनको 2 डिग्री सफिक्स वाले हो गए थे, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स वाले नहीं हुए थे। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स वाले को हम लोग आज फिनिश करेंगे, ओके? तो इसमें सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ईथर्स को, ठीक है? सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे ईथर्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ईथर हो, ईथर समझते हैं आप इस तरह से हो, ROR, इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो, यहां पे अगर जो H रहता तो क्या होता है, यहां पे H रहता तो क्या होता है, एल्कोहल हो जाता, ROH। अब ये ईथर है, इसके 2 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स की बात करें हम लोग, तो 2 डिग्री सफिक्स कुछ नहीं होता यहां पे, लेकिन 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं इसको? एल्कोक्सी। अब जरा समझना इसमें समझना इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसका नाम लिखने का फॉर्मेट क्या है। तो जो मेन चेन होगी वो एल्केन होगी, बाकी दूसरा वाला पार्ट एल्कोक्सी होगा। लेट्स से नंबर ऑफ कार्बन R1 में ज्यादा है R2 से, R1 में इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिधर भी ज्यादा है उसको मेन चेन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेन चेन, ये एज इट इज कंसिडर्ड एज अ मेन चेन, मेन चेन की तरह इसको कंसिडर करेंगे। और ये वाला पार्ट बेटा, ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, ये वाला पार्ट, इसको एज इसको बोलेंगे एल्कोक्सी, इसको बोलेंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। तो इसका नाम हो गया एल्कोक्सी और इसका नाम हो गया एल्केन। तो पूरा इसका अगर हमें नाम लिखना हो तो वी कॉल इट व्हाट, इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, दिस इज द नेम ऑफ सच काइंड ऑफ ईथर्स, ईथर में इस तरह से हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है? सीधे आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, CH3O CH3, इसका नाम बताओ, CH3O CH3 क्या लिखेंगे? दोनों कार्बन सेम है तो मिथॉक्सी मीथेन, या फिर अगर आप इसको कॉमन नेम लिखना चाहते हैं, बिकॉज इट डाई मिथाइल ईथर बोलेंगे इसको, ठीक है? चलो दूसरा देखते हैं, CH3 CH2 OCH3, ऐसा है। तो ये मेन चेन हो गई और ये हो गया आपका क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो क्या बोलेंगे इसको, मिथॉक्सी और दो कार्बन इथेन, मिथॉक्सी इथेन। और देखो इसमें समझना जा रहा है हमसे, इसका IUPAC लिखना, कॉमन नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ट्रिवियल नेम जिसको बोलते हैं, ट्राइवियल नेम, क्या बोलेंगे उसको, ये देखो इथाइल और ये मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर, दिस इज द व्हाट, दिस इज द ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ऐसा, तो मेन चेन तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम, इसका देखो ये वाला फंक्शन ग्रुप है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसको आप बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, या फिर क्या बोल सकते हैं वन मिथाइल इथाइल। तो अगर हम लोग आइसो के फॉर्म में बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, आइसो एल्कॉक्सी बोलते हैं ना, आइसो प्रोपॉक्सी। कितना कार्बन की चेन है, चार ब्यूटेन, आइसो प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। फोर्थ देखिए, फोर्थ इसका नाम लिखना क्या लिखेंगे बताओ, फटाफट खुद से कर लो बेटा, नाम बताइए फटाफट इसका क्या हो जाएगा, इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, दीज आर दी नेम ऑफ दीज ओपन चेन मॉलिक्यूल्स, ओपन चेन ईथर्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको, है ना। अगला देखिए, अब हम लोग बात करेंगे साइक्लिक ईथर की, है ना, साइक्लिक ईथर। देखो सब साइक्लिक ईथर का सबसे पहला मेंबर कौन होगा, कार्बन, कार्बन और यहां पे ऑक्सीजन आ जाए। सच काइंड ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज ऑक्सीरेन, इनको ऑक्सीरेन नाम से जाना जाता है, ऑक्सीरेन्स जनरली थ्री मेंबर्ड रिंग होते हैं, थ्री मेंबर्ड रिंग जिसमें एक हेट्रो एटम आ गया ऑक्सीजन। थ्री मेंबर्ड रिंग बेसिकली बेटा अनस्टेबल होती है, और अनस्टेबल होगा तो ये फास्ट रिएक्ट करती है ना, रिएक्शन में बहुत तेजी से पार्टिसिपेट करता है, एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होती है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो सीखेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रामे होते हैं इसके साथ। कलरलेस गैस होती है ये, लेकिन फ्लेमेबल होती है, और फेंट कर लेते ही अगर जो आपके ये आप सूंघ लेते हैं इसको, तो है ना। ऑक्सीरेन, इसी को एक और नाम देते हैं हम लोग, इपॉक्सी भी बोलते हैं इसी को, ऑक्सीरेन और इपॉक्सी। ये 1-2 इपॉक्सी है, सबसे लोवेस्ट इपॉक्सी इसको बोलते हैं हम लोग। दूसरा अगर जो इसका नाम हम लिखना हो, देखो ऐसे मान लो ये ऐसा आ गया, है ना, तो ये बेसिकली अभी भी ये इथर ही है, और इस इथर को हम लोग कैसे काउंट करेंगे, इस इथर को जब प्रीफिक्स ही लेंगे तो काउंटिंग यहां से करेंगे 1-2-3। तो 1 और 2 वाले पे क्या लगा हुआ, 1 और 2 वाले पे क्या लगा हुआ, ऑक्सीजन। तो 1-2 इपॉक्सी के नाम से इसको लिखते हैं हम, जैसे प्रीफिक्स, तो ऐसे लिखो, देखो इसको कैसे लिखेंगे, 1, 2 इपॉक्सी। ये हो गया, यानी इसको, इसका आपने बता दिया 1 और 2 से इपॉक्सी लगा हुआ। अब इसका नाम लिखो पूरा, बता दो क्या नाम लिखेंगे, 1, 2 इपॉक्सी, इसका पूरा नाम बताओ, इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन ऐसे देखिए, मान लो ऐसे लगा हुआ है, तो किससे लगा हुआ है, 1, 2, 3 से, तो 1, 3 इपॉक्सी किससे जुड़ा हुआ है, 1 और 3 से, 1 और 3 से ऑक्सीजन है ना, तो 1, 3 इपॉक्सी प्रोपेन, 1, 3 इपॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फोर्थ देखिए, ऐसे जुड़ा हुआ, मान लो यहां क्लोरीन लगा दिया मैंने, तो ये ई से आ रहा है इपॉक्सी, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, और ये सीएल क्लोरो से आ रहा है, अल्फाबेटिक देखेंगे इसमें, क्योंकि हर कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये 1, 2 और ये 3, क्योंकि क्लोरो पहले आएगा, तो 1 क्लोरो 2, 3 इपॉक्सी, 2, 3 इपॉक्सी, 2, 3 इपॉक्सी, कितने कार्बन चाहिए, 3, तो प्रोपेन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा भाई, क्लियर है ना ये बात, आया ना, ठीक है। चलो एक और देखने क्वेश्चन, एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा मजेदार,
ये देखना मान लो इसका नाम लिखना है ना, इसका नाम लिखना है तो समझो इसको जरा कैसे लिखेंगे इसका नाम है। अब इसमें पहले तो सबसे पहला काम क्या है अपना कि मेन कई सारे फंक्शनल ग्रुप है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे है, कुल चार फंक्शनल ग्रुप है यहां पे, फोर। कौन सा है सबसे मेन, कौन सा है? ये वाला एस्टर, एस्टर है, ईथर है, एल्कोहल है एंड कीटोन है ना। चलिए तो ये हो गया और काउंटिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6 5 एंड 6। नाउ आप बताओ अल्कोहल का नाम कैसे, एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं? एल्काइल एल्केनोइड। एल्काइल में कौन सा लिखते हैं पहले? इसको, तो पहले इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल, मिथाइल। अब पूरा इसका नाम लिखेंगे। अब इसमें क्या प्रीफिक्स आ रहा है? यस, एक यहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है, ये सब 2 डिग्री प्रीफिक्स है भाई, ये सब 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ये भी 2 डिग्री प्रीफिक्स, ओनली दिस वन इज 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। चलो तो ये मिथाइल हो गया मेरे डाल, ये मिथाइल। अब इसका नाम लिख दे, ये क्या देखो, इपॉक्सी, ई से आ रहा है, ये हाइड्रोक्सी, एच से आ रहा है, और ये ऑक्सो, इस कार्बन, ये सीओ का कार्बन इंक्लूड हो गया तो बचा क्या, ओ, और ओ को क्या बोलते हैं? ऑक्सो। चलो बता दो फटाफट इसका नाम, बता दो मेरे डाल इसका नाम बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। ये है इपॉक्सी, तो कहां पे 2,4 इपॉक्सी, इसका नाम इपॉक्सी हो गया। अब पहले एच आएगा, हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी। अब 5 पे ऑक्सो, 5 ऑक्सो, अब कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की, तो हेक्सेन ओएट, हेक्सेनोएट। क्यों बोलेंगे हेक्सेनोएट? क्योंकि 6 कार्बन की चेन है, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो एन आ जाएगा। और एस्टर के लिए क्या लगाते हैं? ओएट। एस्टर के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? ओएट। चलिए, दिस इज साइक्लिक ईथर एंड ओपन चेन ईथर्स। नाउ अब कुछ बातें समझिए, नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। व्हेन हेट्रो एटम आर कंसीडर्ड एज कार्बन एटम इन मेन चेन, क्या बोल रहे हैं भाई? अगर जो हेट्रो एटम्स को हम लोग कंसीडर कर लें कार्बन के जैसा मेन चेन में काउंटिंग करते समय, ऐसे में अगर जो वो NH को हम काउंट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एज अ, अब ऐसे में अगर हम लोग S को काउंट कर रहे हैं हम लोग बोलेंगे थाया, ऑक्सीजन को काउंट कर रहे हैं हम बोलेंगे ऑक्सा, ऑक्सो, है ना। और ऐसे में अगर जब हम लोग एसी को कर रहे हैं तो बोलेंगे सेलिना, ठीक है, ये वर्ड यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, जरा इसका ध्यान रखिएगा। अब जरा देखिए इसमें नाम कैसे लिखेंगे, जो ऐसा आ गया, लेट से ऐसा आ गया आपके पास, है ना, ठीक है, इस तरह से आ गया। और आपने क्या किया, आपने क्या किया, इसका नाम लिखना है आपको, और आपने काउंटिंग में इस तरह से कर ली काउंटिंग। एक और तरीका है आईपीसी लिखने का, जरा समझिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 1 2 3 4 5 एंड 6 इसको भी कार्बन की तरह ही कंसीडर किया, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि 4 पे कार्बन एग्जैक्टली नहीं है, आपने माना है, लेकिन 4 पे जो लगा हुआ उसका नाम बताना पड़ेगा कौन है वो, है ना। चलो तो ये तो इधर सफिक्स यूज हो जाएगा और ये प्रीफिक्स, तो 4 पे हो गया एज अ, कंफर्म हो गया वहां कार्बन नहीं है, 4 पे NH है। अब कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की, तो हेक्सेन, हेक्सेन, और ये 2 पे क्या है? कीटोन, तो क्या था? ओन, हेक्सेनोन। फिनिश, वेरी इजी, बहुत ही आसान। दूसरा क्वेश्चन देखना, NH ऐसा लगा हुआ, इसका नाम लिखना, कितने कार्बन है? कुल 6 कार्बन, 5 कार्बन ना, 1 2 3 4, इसको पहला बोल देंगे हम लोग, ठीक है। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? एज अ साइक्लो, 5 कार्बन, 5 की चेन है ना, तो पेंटेन,
अजा साइक्लोपेंटेन, लेकिन पांच कार्बन नहीं है, पांचवे पे कौन है? एजा है। एक पे कौन है? एजा। लेकिन उस अजा को हम लोगों ने एज अ मेन कार्बन इंक्लूड करके उसको पूरा मेन चेन में काउंट कर लिया हमने, ठीक है। ये एक नया तरीका है आईयूपीएसी लिखने का, ठीक है। ऐसे में हम लोग ईथर का भी लिखेंगे, जरा समझिएगा इसको, इसी बात को समझना। जरा देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग पॉली ईथर्स भी बोलते हैं, पॉली ईथर्स। मान लो ऐसा है ना, इसमें आप काउंट कर लिए यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। 3 और 6 में क्या है? 3.6 डाइऑक्सा, 3.6 डाइऑक्सा, कितने कार्बन है? 8 ऑक्टेन, ऑक्टेन। या फिर इसी का नाम आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको मेन चेन ले लो और इधर प्रीफिक्स ले लो, तो इसको एक और अल्टरनेटिव नेम है, ये भी सही है, देखना ध्यान से। इसको बोलेंगे इथॉक्सी, ये भी बोलेंगे इथॉक्सी, तो उस समय पे ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2, तो 1.2 डाइथॉक्सी, 1.2 डाइथॉक्सी, दो कार्बन की चेन तो इथेन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलना अगला देखना, फोर्थ क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। ऐसा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 कार्बन के लिए हम लोग बॉडी रूट क्या यूज करते हैं बताओ, अभी तक आया नहीं था ना। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि ये बहुत कम आएंगे, 11, 12, 13 बहुत कम आएंगे, लेकिन अभी आ गया। अभी क्या बोलेंगे इसको? अंडेक, अंडेक, अंडे नहीं अंडेक। तो 3 पे है, 6 पे है, 9 पे है, नाम बताइए इसका। 3.6.9 ट्राइऑक्सा, ट्राइऑक्सा अनडेकेन, अनडेकेन, अनडेकेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। अनडेकेन क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, दीज आर साइक्लिक ईथर्स, ठीक है। इसका नाम बताइए कितने कार्बन हो जाएंगे यहां पे? देखो इसमें क्या काउंटिंग आज करेंगे यहां से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and ये 16 कार्बन क्या बोलेंगे 16 के लिए? चलो इसका नाम बता दो फटाफट। तो 1 पे, 5 पे, 9 पे और 13 पे ऑक्सीजन है, तो बताइए जरा। 1, 5, 9 और 13 टेट्रा ऑक्सा, टेट्रा ऑक्सा हो गया। अब इसका नाम क्या है? साइक्लिक है ये, तो साइक्लो मेरे लाल, क्या साइक्लो, साइक्लो प्लीज। अब कितने कार्बन की चेन है? 16, तो 11 के लिए अंडेक, 12 के लिए डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, क्या बोलेंगे इसको? हेक्साडेकेन, हेक्साडेकेन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, ठीक है। हेड टू आइटम को ऐसा मेन चेन काउंट कर लेंगे तब और ईथर्स हो गए, है ना, साइक्लिक ईथर्स हो गए, सारे कंसीडर किया हमने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन चक्कर आया क्लास 12 में, हेलो क्लास 13 है, हैलोजन्स को बोलते हैं, हैलोजन्स कौन कौन? FCl, BrNi, इन सबको, ठीक है। तो जरा समझना इसका, आपको अच्छे से मालूम है कि बेटा जी इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स हेलो होता है और 2 डिग्री सफिक्स जैसी कोई चीज यहाँ पे नहीं होती है, 2 डिग्री सफिक्स जैसी कोई चीज यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम नाम लिखना हो तो देखो कैसे लिखेंगे इसका नाम, बहुत इजी है, जल्दी खत्म करते हैं इसको। CH3 मान लीजिए CL लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे इसको? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। और अगर जो कॉमन नेम लिखना है इसको, कॉमन नेम लिखना है इसका, तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है ना, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड इसको बोलेंगे हम लोग। अगला देखो,
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन, या फिर आप क्या बोल सकते हैं बोलो, मिथाइल, सॉरी इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। तीसरा देखिए, जरा समझिएगा ध्यान से, CH2Cl, CH2Cl, बोलो इसका नाम क्या लिखेंगे, 1.2 डाइक्लोरो, 1.2 डाइक्लोरो इथेन, 1.2 डाइक्लोरो इथेन। अगला देखना, ये देखो बेटा, CCl4, क्या बोलेंगे इसको बताओ, CCl4 को क्या बोलेंगे, चार कार्बन है ना इसी पे, चार एक ही कार्बन से चारों क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो टेट्रा क्लोरो, वन चार बार बोलने जरूरत तो है नहीं, एक ही कार्बन से है तो टेट्रा क्लोरो इथेन, है ना, बोलो यार, टेट्रा क्लोरो मीथेन बोलेंगे इसको, है ना, या फिर मिथाइल टेट्रा क्लोराइड भी बोल सकते हैं आप इसको। चलिए पांचवा देखिए, इस तरह से CFClBri, है ना, इसी कार्बन से FClBri सब जुड़ गया, ऐसे FCl, FBr, Cl और I, तो ये ब्रोमो क्लोरो आयडो फ्लोरो, तो कैसे आएगा पहले नाम, पहले ब्रोमो, तो ब्रोमो, वन ब्रोमोन बोलेंगे तो वन तो अंडरस्टूड है ना, मीथेन अगर जो आप बोल रहे हैं तो मीथेन में तो एक ही कार्बन होगा यार, और एक ही कार्बन सब जुड़े हुए होंगे, तो ब्रोमो ये हो गया ब्रोमो, फिर क्लोरो, क्लोरो हो गया, फिर फ्लोरो, फ्लोरो, फिर आयडो, अब मीथेन, क्या हो गया मीथेन, इजी, बहुत ही इजी। छठा देखिए, CHCl3 क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो मीथेन, इसी का एक कॉमन नेम है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है ये, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है, इसको बेहोश होश करने के लिए इसको यूज किया जाता है, वो जो पुरानी मूवी में देखा होगा आपने, वो एक रुमाल निकालते हैं उस पर लिक्विड क्लोरोफॉर्म लगाते हैं और सीधे नाक पे, खत्म इंसान, मतलब मरता नहीं है बे, वो बेहोश होता है बस, है ना, एग्जैक्टली क्या होता है, क्लोरोफॉर्म जहरीला नहीं होता है, क्लोरोफॉर्म जब एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज हो जाता है और इट फॉर्म फॉजीन गैस, और फॉजीन जो होती है वो ब्लॉक कर देती है आपके नॉस्ट्रिल्स को, तो बेसिकली उससे दिक्कत आती है, उससे लोग बेहोश जाते हैं, ठीक है। सेवन देखो, सेवन मान लो ऐसा लिखा हुआ है, CF2 double bond CF2, बोलो क्या नाम बोलेंगे इसका, 1 पे 2 फ्लोरीन 2 पे 2 फ्लोरीन, 1.1.2.2 टेट्रा फ्लोरो इथीन, डबल बॉन्ड है ना, तो इथीन। चलिए अगला देखिए, बहुत ही बेहतरीन, क्लोरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, समझना ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे तो नाम आप लिखना चाहते क्या लिखेंगे, 1.2.3.4.5.6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ये आईपीएसी हो जाएगा इसका, 1.2.3.4.5.6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, आईपीएसी, बट इसके बहुत सारे और भी नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं गैमेक्सीन बोलते हैं इसी को, या फिर इसी को बोलते हैं गामा लिंडेन, या इसी को बोलते हैं हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड, फुल फॉर्म लिख लेना इसका, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं 666 का मतलब, इसका फॉर्मूला वाले निकाले हम लोग, तो ये आएगा C6H6Cl6, बेसिकली ये बेंजीन से बनाते हैं, इसीलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं, बेंजीन से इसको हम लोग बनाते हैं, ऑब्टेन करते हैं इसको क्लोरीनेशन करा के भी, तो बनता जाता है C6H6Cl6, ये 666, ये
तो गैमेक्सीन जनरली हम लोग यूज करते हैं इसको एज अ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में यूज किया जाता है इसको, कीटनाशक होता है, कीटाणुओं को मारने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए होता है। जनरली खेतों में लोग यूज करते हैं, किसान लोग यूज करते हैं इसको जब फसल में कीट कीट लग जाते हैं तो उसको मारने के लिए। पर ये आगे जब कुछ दिन तक तो यूज किया गया, लेकिन आगे चल के मालूम पड़ा कि ये इतना जहरीला होता है कि इंसान पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अमेरिका में तो 20 साल से ज्यादा हो गया बैन हुए ये, लेकिन अपने इंडिया में भी मिल जाता है ये आसानी से, बहुत इजीली अवेलेबल है ये। लेकिन है ये बहुत जहरीला, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ही खतरनाक है ये गैमेक्सीन, ओके। और बाकी के जो जैसे मैंने बोला ना इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो होते हैं वो बेसिकली हेलो कंपाउंड्स ही होते हैं, क्लोरो कंपाउंड्स ही होते हैं। उनमें भी जैसे ये सब हेलोजेंस वाले जो होते हैं ये कीटनाशक ही होते हैं, जिसमें से जितना छोटा होता है उतना बढ़िया होता है वो, क्योंकि जितना छोटा होगा वो इजिली नैरो प्लेसेस पे भी एंट्री ले पाएगा और वहां पे जंप्स मार देता है, ठीक है। तो ये होते हैं हेलोजेंस, ठीक है। अब अगला देखो, तीसरा हेलो एल्केन हो गया, ठीक है। अब नाइट्रो देख लो, नाइट्रो क्या होता है बेटा, NO2 होता है ना, इसके बाद आता है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो क्या होता है वो NO होता है ना। तो बेसिकली इसमें भी कोई इनके कोई ये सब क्या हो, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे इनको, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स ही है इनका, और इन सब के 2 डिग्री सफिक्स नहीं होते हैं, इसके भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो NO2 कहीं आ जाएगा तो नाइट्रो की तरह यूज कर लेंगे, NO आ जाएगा तो नाइट्रोसो की तरह यूज कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से यार इसको पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं, है ना, कहीं भी किसी भी नाम में जब NO2 आ जाएगा या NO आ जाएगा तो हम लोग उसका एज अ प्रीफिक्स यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब सीधे बढ़ते हैं हम लोग बेंजेनॉइड्स की तरफ, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसको अरीन्स भी बोलते हैं, अरीन्स, ARENES, एरोमेटिक को अरीन्स भी बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको, ठीक है। चलो तो इसमें सबसे पहला एक कंपाउंड आता है इस तरह से, यहां 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 लगा लीजिए, या फिर इसी को कभी कभी इस तरह से लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड जहां है वहां नहीं दूसरे यहां पे शिफ्ट कर दो, या इसी को बेंजीन में ऑर्गेनिक में बहुत इस तरह से लिखा जाता है। ये ऑक्सीजन नहीं है, ये एक सर्कल है, राउंड है, इसको इसका मतलब है आगे जब पढ़ेंगे हम लोग जीओसी तो हम आपको समझाएंगे इसे क्या मतलब, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलते हैं PHH, या इसी को हम लोग इसे बोलते हैं फाई एच, ये सब एक ही चीज है, ये सब एक ही चीज है, इसी को बोलते हैं सब एक ही चीज है, ये सब एक ही चीज है, और इन सब का नाम है बेंजीन, बेंजीन इनको बोलते हैं, IUPAC है ये बेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन, एज अ 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं इसको, 2 डिग्री सफिक्स के नाम फॉर्म में इसको यूज किया जाएगा, बेंजीन। बेसिकली पहले इसको फीन बोलते थे, ठीक है। अब यार समझना होता है ये पीएच, ये पीएच का मतलब क्या है, अच्छा यही है, इसका जो फॉर्मूला निकाला जाए इट विल comes out to be C6H6 what? H6, this is benzene, this is what? Benzene, ये सब basic, mostly हम आपको इस form में या इस form में लिखेंगे, ठीक है। तो जरा समझिए इसका मतलब क्या, PHH का मतलब होता है कि C6H5 और यहां से एक H लगा हुआ, तो basically ये भी क्या हो गया, C6H6 ही हो गया, इसको PH बोलते हैं, या फिर इसी में से हम लोग सबको निकाल दें तो ये basically क्या हो जाएगा, यहां से एक H निकाल दिया हमने, या दूसरे वाले जगह पे लगा के हमने एक H निकाल दिया, या फिर बेंजीन से हमने H निकाल दिया, या इसको हमने सिंपली PH के फॉर्म में कर दिया, या फाई के फॉर्म में कर दिया, ये इन सब को हम लोग बोलते हैं, ये एज अ यूज होता है एज अ 2 डिग्री प्रीफिक्स, एज अ 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है, और इसको बोलते हैं फिनाइल, इट इज फेमसली नोन एज फेनिल, क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल या फेनिल, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों नोट कर लीजिए चीजें, और इसी को क्या बोल देंगे, C6H5, इस तरह से
एक एच आपने गायब कर दिया, नहीं जब इसको आप प्रीफिक्स यूज करेंगे तब क्या बोलेंगे, और जब आप एज सफिक्स यूज करेंगे तब क्या बोलेंगे, बेंजीन एंड फेनिल। क्लियर है? चलो अभी से बढ़ते हैं और नाम लिखने की जरूरत है। चलिए सीधे आपके सवाल पे, तो अगर हम सीधे इसकी बात करें, इसका नाम क्या है? तो बेटा जी इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन। ओके, बेंजीन 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 बेंजीन। इसी बेंजीन से अगर जो आपने यहां CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे हम लोग? मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। और बहुत ही फेमस इस ये नाम है, इसको बोलते हैं टोलुइन, टोलुइन बोलते हैं। ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा टोलुइन। क्या बोलेंगे इसको? टोलुइन। तीसरा देखो, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, यहां CH3 लगा दिए और एक बार CH3 हमने यहां लगा दिए, ठीक है। अगले वाले में क्या किया हमने, एक बार CH3 यहां लगाया और दूसरी बार यहां पे लगा दिया 1,3 पे, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक बार CH3 यहां लगा दिया और एक बार CH3 यहां पे लगा दिया। जरा एक बात समझिएगा मेरा, आप ध्यान से, जब बेंजीन में ये वाला पार्ट यहां पे कोई ग्रुप लगा दें, ठीक है, यहां पे कोई एक ग्रुप लगा दिया इस पोजीशन पे, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन, ये दोनों पोजीशन जस्ट कंसेक्यूटिव पोजीशन अगल बगल वाली, इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो ऑर्थो, ध्यान समझिए, ध्यान से, ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे इनको। ये वाली जो पोजीशन होती है, ये वन, देखो जैसे बोले तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ऑर्थो कौन सी हो गई? 2, 6, 2 और 6 हो गई ऑर्थो हो गई। 3 और 5 को हम लोग बोलते हैं मेटा, 3 और 5 को बोलते हैं हम लोग मेटा। ऑर्थो को इन शॉर्ट में उसे रिप्रिंट करेंगे, मेटा को एम से रिप्रिंट करेंगे। और ये वाली फोर्थ पोजीशन जो होती है, दिस इज पैरा, दिस इज पैरा। तो तीन पोजीशन आती हैं, ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा और ये वाली पैरा। क्या बेटा? ऑर्थो मेटा पैरा। क्या बेटा? ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। याद हो गया? ये दोनों ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। क्लियर है? ऑर्थो मेटा और पैरा, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है ना? ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। तो इस पे आईपीसी लगे हैं, तो 1 और 2 पे, 1, 2 पे है, ये 1, 3 पे है और ये 1, 4 पे है ना। इसका वजन आप लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, 1,2 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन एंड 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। लिख लेंगे आप सारा नाम, सारा लिख लीजिएगा, 1,2, 1,3, 1,4। लेकिन बेटा इसको हम लोग किसी और नाम से जानते हैं, इसका एक कॉमन नेम है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसको हम बोलते हैं ज़ाइलीन, ज़ाइलीन। क्या बोलते हैं इसको? ज़ाइलीन बोलते हैं। और समझना ये ज़ाइलीन कौन सा है, इसको बोलते हैं ऑर्थो ज़ाइलीन, क्योंकि एक दूसरे के कौन से पोजीशन पे हैं ये दोनों? 1, 2 पोजीशन पे ऑर्थो, ये किस पोजीशन पे है? 1, 3, तो मेटा ज़ाइलीन, इसको बोलते हैं मेटा ज़ाइलीन। और इसको क्या बोल देंगे? पैरा ज़ाइलीन। क्या बोल देंगे इसको? पैरा ज़ाइलीन। याद रखेंगे आप इस बात को, याद रखेंगे ना इस बात को, प्लीज इसको याद रखिएगा इस बात को। कुछ बात और समझते हैं, कुछ थोड़ी मोटी बातें और समझते। चलिए अगला, अगला नाम देखते हैं, छठवां, छठा ऐसा आ जाए CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें एक स्पेशल बात है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, डबल बॉन्ड इसमें भी है, डबल बॉन्ड इसमें भी है, लेकिन इस वाले डबल बॉन्ड को आईपीसी कहता है कि, मैं नहीं कह रहा हूं, आईपीसी कहता है कि इस वाले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी जाएगी, प्रायोरिटी इस वाले डबल बॉन्ड को मिलेगी, ना कि इसको। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे? एज अ फेनिल। इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल, फिनाइल इथीन, फिनाइल इथीन, फेनिल इथीन, फिनाइल इथीन। और इसी का एक कॉमन नेम है मेरे लाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाइरीन,
स्टाइरीन, क्या बोलते हैं स्टाइरीन, ये पॉलीमर जब पढ़ेंगे सबसे लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का क्लास 12th में, तो वहां पे आता है, ऑर्गेनिक में भी आएगा ये और जगहों पे भी, लेकिन वहां पे ये रबर बनाने के काम आता है, सिंथेटिक रबर जब बनाते हैं हम लोग तो वहां पे काम आता है ब्यूना एस, है ना स्टाइरीन, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत ही फेमस नाम। जितने भी कॉमन नेम मैं बताऊं, जैसे जैसे मैं जाइलीन बता दिया, यहाँ स्टाइलीन बता दिया, टॉलोइन बता दिया, इन सबको आपको याद रखना है, हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक में ये आईयूपीएसी बहुत कम और ये वाले नाम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अगला देखना, अगला सी एस सी ट्रिपल बॉन्ड सी एस, अगेन ये वाला मेन चेन में हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, इसका नाम बोलेंगे तो फिनाइल एसिड, फिनाइल इथाइन, फिनाइल इथाइन, पर अगर इसको कॉमन नहीं लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे बोलो, इसको बोलते हैं हम लोग फिनाइल, और ये है एसिटिलीन, फिनाइल एसिटिलीन, फिनाइल एसिटिलीन, फिनाइल व्हाट एसिटिलीन, ओके। अब देखना जरा, अब हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल प्रीफिक्सेस की, स्पेशल प्रीफिक्सेस जरा ध्यान समझिएगा इसको। देखो जब ऐसा लगाओ कभी ये बेंजीन और यहां से लगाओ CH2 और यहां से जुड़ रहा हो तो इसको हम लोग नाम बोलते हैं बेंजल, बेंजल, क्या बोलेंगे इसको, ये पहला है बेंजल, फर्स्ट। ठीक है, ऐसा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजिल, बेंजिल बोलेंगे बेटा इसको, बेंजिल, है ना। पीएच को बेंजिल नहीं बोलते हम लोग, पीएच को हम लोग बोलते हैं क्या, फेनिल बोलते हैं उसको, है ना, जरा समझना इसको। अब इसका थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए, अच्छा इसको मैं पीएच भी तो लिख सकता हूं, पीएच CH2Cl ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, यहां से यहां का नाम क्या होगा, बेंजिल, और इसका नाम क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, अरे हाँ है ना, NH2 लगा दिया तो बेंजिन अमाइड, बेंजिल अमाइड। चलो ये पहला वाला हो गया, ये पहला स्पेशल। दूसरा स्पेशल देखो, इसी में क्या करो आप, यहां पे CH लगा के और दो फ्री करा दो, दो बॉन्ड फ्री करा दो, दो यहां पे CH लगा, दो बॉन्ड फ्री हो गए, यहां पे दो डबल बॉन्ड के फॉर्म में भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल, वी कॉल इट बेंजल, याद रखना है आपको बेंजल, बेंजल, बेंजल। हो सकता है आपको आगे भी और आएगा बहुत सारा, हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे बेटा, लेकिन यकीन मानिए आपको अगर याद हो गया, समय लीजिए, एक महीने का समय ले लीजिए, दो महीने का समय ले लीजिए, मैं कह रहा हूं पूरा साल समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद कर लो इन सब चीजों को, क्योंकि ये जितना याद होगा ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा उतना, ऑर्गेनिक में उतना कॉन्फिडेंट होंगे आप, क्योंकि ये नाम यूज होंगे आगे चलते, और जब यूज होंगे सब पढ़ के भी, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के भी क्या फायदा होगा, जो आपको नाम से ही पहचान नहीं पाएंगे हम, तो ये नाम थोड़े इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको एज अ बेंजल बोलते हैं हम लोग। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी के जैसा, है ना, इस तरह से, और आपने यहां पे तीनों ही फ्री कर दिया, है ना, वी कॉल इट बेंजो, 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 वी कॉल इट बेंजो, तो बेंजिल, बेंजल एंड बेंजो। ठीक है, अभी हम देखते हैं कैसे यूज करेंगे, देखते हैं कैसे यूज, ठीक है, चलिए अगला नाम देखते हैं हम लोग, इस तरह से मान लो ये बेंजीन है और यहां से हमने ला दिया COOH, COOH, तो इसका एक नाम तो कैसे लिख सकते हैं, क्या, बेंजीन, बेंजीन कार, देखो ये बेंजीन हो गया और ये COOH तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन एक्सक्लूडेड है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी को आईपीएसी में ही कंसीडर किया जाता है, इसको भी दूसरा नाम, इसको बोलते हैं बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, बेंजेनोइक एसिड। ठीक है, अब जरा देखना दूसरा, बेंजीन में COOH यहां मान लगा हुआ है और एक COOH यहां लग गया, अब अगेन यहां पे तीन केसेस आएंगे,
एक बार सीओएच हमने यहां लगा दिया और एक बार ये दोनों एक दूसरे के मेटा पे हो गए। अगली बार देखो ये एक दूसरे के ये ऑर्थो पे थे, ये मेटा पे हो गए और ये पैरा पे। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि यहां और यहां लगे हो तो ही ऑर्थो होगा, कहीं भी दो कंसेक्यूटिव होंगे तो वो ऑर्थो ही कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ऑर्थो ही। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये इसको इसका नाम बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे क्या, बेंजीन, बेंजीन 1.2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1.2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे इसका क्या लिखेंगे आप, बेंजीन 1.3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1.4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये आप लिख लेंगे खुद से, ये प्लीज आप खुद से लिख लीजिए, ठीक है। अब इनका जो कॉमन नेम है वो इंपॉर्टेंट है, इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम उसको बोलते हैं हम लोग थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। इस थैलिक एसिड में जो पीएच है ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या है, साइलेंट होता है ये, है ना। ऐसा मत बोलिएगा इसको पैथैलिक एसिड, नो नो नो, दिस इज नॉट पैथैलिक एसिड, दिस इज थैलिक, दिस व्हाट थैलिक एसिड। इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम बता रहा हूं मैं ध्यान से, ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम जो है इसका, इसको बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड, आइसो थैलिक एसिड, आइसो। अब ये जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसमें से ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं टेरिलीन, टेरिलीन TERELENE, वी कॉल इट टेरिलीन, इसका कॉमन नेम है टेरिलीन। अगेन दिस टेरिलीन इज यूज्ड इन पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में आएंगे वापस से, तो जब ये आएंगे तो बेसिकली देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेरिलीन जो होते हैं बेटा, इट इज यूज्ड इन मेकिंग फैब्रिक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं फैब्रिक बनाने में, स्टेरिलीन को, ठीक है। तो जो भी कपड़े वपड़े बनते हैं उसमें बेसिकली ये फैब्रिक वगैरह बनाने में इस कंपाउंड का यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, तीन इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। अब जरा समझना यही है, इसको जरा देखो, ये ना COH, इसी को मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड O OH। अगर जो आप यहां से OH निकाल, वाटर निकालते हो, यहां से क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, अरे याद करो एनहाइड्राइड वाला, याद है ना, इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था बेंजीन 1.2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां से आपने H2O निकाल दिया तो ये क्या हो गया, डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड हो गया। अरे हाँ या ना, वाटर निकल गया ना यहां से, क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन, बेंजीन 1.2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड इसका नाम कॉमन नेम क्या था, थैलिक एसिड, और इसका कॉमन नेम जो होता है बेटा वो होता है ये थैलिक एसिड था ना, तो इसका नाम हो गया एसिड ना रहा, ये एनहाइड्राइड हो गया, तो थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। प्लीज प्लीज इसको नोट करिए और याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, इसी में इस तरह से ऐसा हो, अबे यह तो याद होगा आपको, बहुत अच्छे से याद होगा, हैं? क्या बोलते थे इसको, ये इथर हो, ये क्या हो गया है, ये एसिड एनहाइड्राइड है ना, और सिमेट्रिकल है, तो क्या करते थे, एक तरफ का नाम लिखते थे, दो बार नहीं लिखते इसको, एक ही बार लिखते हैं, आपको अच्छे से याद होगा। तो बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन, इसको बेंजीन ही बोलेंगे ना, बेंजीन, और ये एक कार्बन है और एक्सक्लूडेड है, ठीक है, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलने के बजाय क्या बोलेंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, या फिर सिंपली इसी को बोलते हैं हम लोग बेंजेनोइक एनहाइड्राइड,
अच्छा एक थोड़ी सी बात छूट गई थी हमारी, ध्यान रखना COH को हम लोग क्या लिखते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ना, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं इसको। अब जरा समझो बेंजोइक एसिड को बोलते हैं, तो देखो जरा ध्यान से यहां पे आ जाओ, सी और ये तीनों बॉन्ड किसी और से लगे हो तो इसको क्या बोलते हैं बेंजो, क्या बोलते हैं हम लोग इसको बेंजो, और ये कार्बन इंक्लूड होके बेंजो बोल रहे हैं इसको, तो जरा समझना इसको, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, इस कार्बन से देखो तीन बॉन्ड अलग अलग लगा हुआ है, इसीलिए इसको हमने इसको पूरे को बोल दिया बेंजो और ये ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड, उम्मीद आपको समझ आया होगा ठीक है ना। तो वैसे ही इसको हम लोग बोलते हैं देखो बेंजोइक, यहां से आते देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये बेंजीन ये कार्बन और ये यहां से तीनों, ये पूरा हो गया बेंजो, बेंजोइक, बेंजोइक एनहाइड्राइड। बहुत पैनिक मत लीजिएगा, बिल्कुल आराम आराम से करना है इसको, बहुत जल्दीबाजी नहीं है अपन को, आराम आराम से है ना। अगला देखिए नेक्स्ट जो है वो अपना देखो ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां SO3H लगा दिया, क्या नाम बोलेंगे इसको, सल्फोनिक एसिड और ये है बेंजीन, तो इसका नाम आ जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 17 देखिए 17 बहुत ध्यान समझिए, यहां पे देखो यहां पे हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड O और यहां पे OCS3 लगा दिया, OCS3 एस्टर, एस्टर है ना, तो देखो ये है एस्टर और ये एल्काइल, एल्काइल एल्केनोइड लिखते हैं ना हम इसके ना, तो एल्काइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, क्योंकि कार्बन एक्सक्लूडेड है तो मिथाइल, मिथाइल ये हो गया मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, अरे हाँ या ना, या इसी को देखो कैसे लिखते हैं, और अगर हमने ये वाला यूज कर लिया तो बेंजल वाला यूज कर लिया तो सॉरी देखो सी ये देखो बेंजीन से सी जुड़ा हुआ और सी से ये और ये है तो एस्टर, एस्टर के लिए ओएट यूज करते हैं लेकिन यहां पे तीनों के लिए क्या करते हैं बेंजो यूज करते हैं, बेंजो यूज करते हैं, तो मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट बोल सकते हैं इसको, मिथाइल बेंजोएट ओके। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट 18th वाला, 18 देखिए इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया मैंने, इसी को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया ऐसे, C डबल बॉन्ड O यहां पे ऑक्सीजन जोड़ दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O CH3 यहां आ गया, तो देखो ध्यान से O से जो जुड़ा हुआ होता है वो एल्काइल होता है, हाँ या ना, और ये हो जाएगा मेन चेन, बहुत ध्यान से समझना इसको। चलो नाम बताओ फटाफट, इसका नाम होगा फिनाइल, प्रीफिक्स तो फिनाइल यूज होता था ना, तो फिनाइल, फिनाइल एल्काइल एल्केनोइड, फिनाइल इथेनोइड, इथेनोइड इथेनोइड, फिनाइल इथेनोइड। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए फटाफट फटाफट, बहुत इजी लेने का इसको, टेंशन नहीं। चलो ये क्या हो गया, अभी देखो एस्टर, एस्टर में ये फिनाइल, फिनाइल फिनाइल बेंजेनोएट, फिनाइल बेंजेनोएट ये है ना, यहां पे बेंजोएट सॉरी बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट या फिर फिनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, फिनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, फिनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, क्लियर ना, ये नाम याद रखेंगे आप, प्लीज इनको याद रखना है आपको, एस्टर्स, तो ये हो गए एस्टर वाले, एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप को डिस्कवर कर रहे हैं हम लोग वापिस से। ये देखो अब आ जाओ इस पे, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल पे, क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम बेंजीन, पहले नॉर्मल लिखते हैं बेंजीन और ये कार्बोनिल एक्सक्लूड हो गया तो क्या बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड,
बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। और इसी को अगर जिस कार्बन को इंक्लूड करके बेंजो बोलते हैं हम लोग, बेंजो, तो क्या बोलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड होता है ना इसका, तो बेंजोइल क्लोराइड। देखिए ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब मेरे ख्याल से आप पकड़ने लगे होंगे, इस कार्बन को इंक्लूड कर दिया तो बेंजो बन गया, और COCl का क्या बोलते हैं नॉर्मल 2 डिग्री सब इसका होता है ऑयल हैलाइड। तो बेंजोइल हैलाइड के यहां पे कौन सा हैलाइड है, क्लोरीन। तो बेंजोइल क्लोराइड, उम्मीद है आपको इजी तरीके से अब समझ में आने लगा होगा, हाँ है ना। चलो 21वां, अब अगला हमने लगाया C डबल बॉन्ड ONH2। चलो क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन। बेंजीन है मतलब आपने नाम लिख दिया। तो ये जो होता है अमाइड होता है, लेकिन कार्बन अगर जो एक्सक्लूडेड हो तो कार्बोक्सामाइड हो जाता है। तो बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। अगला देखो, अगला नेक्स्ट। तो ये हो गए सारे एसिड डेरिवेटिव्स। अब अगला देखना इसमें, इसी में अगला देखना। अच्छा इसी में थोड़ा सा एक और देख लो, इसी में डिस्कवर करते हैं C डबल बॉन्ड O NH CH3, ठीक है ना। तो CH3 जुड़ गया ना यहां से, तो क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल। N से जुड़ा है ना, N मिथाइल है ना, N मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, N मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सामाइड। चलो 23 देखिए, ये देखना बेटा, अगर इससे जुड़ा हो OH तो इसको बोलते हैं फिनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है ये। दिस इज THOH, दिस इज व्हाट इसको बोलते हैं, अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, THOH। दिस इज वेरी फेमस मॉलिक्यूल एंड इट इज नोन एज व्हाट, फिनॉल, 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 रट लो, फिनॉल, 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 THOH इज फिनॉल, THOH इज फिनॉल। समझ आ, अगला देखो, यही मान लगाओ CH3OH, CH2OH है ना। तो ये हो गया मेन चेन जो इसे ओएच लगा है, और ये हो गया प्रीफिक्स, तो इसको बोलेंगे फिनाइल, फिनाइल मीथेन मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल। या फिर अब इसकी बात आती है कॉमन नेम की, समझो ध्यान से, यहां आ जाओ। इस बेंजीन से कार्बन जुड़ा होता और इससे यहां पे कोई एक चीज जुड़ी हो तो इसको यहां से यहां तक को बोलते हैं बेंजिल। क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजिल, बेंजिल, ठीक है। तो ये इससे जुड़ गया है, देखो यहां पे फिनाइल एल मिथेनॉल हो गया ना। अब जो कॉमन नेम इसका लिखना है तो लिखेंगे हम लोग क्या, ये बेन, ये हो गया फिनाइल मिथ, ये सॉरी, यहां देखो ध्यान से, ये बेंजीन और इससे जुड़ा हुआ है सी, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजिल, 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 और बेंजिल और ये अल्कोहल, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल अल्कोहल, बेंजीन अल्कोहल। बहुत ध्यान से रखना है इसको, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अब आती है कहानी नई, OH, 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 यहां भी OH, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। अगर इसका सिंपल नेम लिखना हो तो आप लिखेंगे 1.2, सॉरी बेंजीन, बेंजीन 1.2 डाइऑल, बेंजीन 1.3 डाइऑल, सब लिखना सारे नाम, बेंजीन 1.2 डाइऑल, बेंजीन 1.3 डाइऑल, बेंजीन 1.4 डाइऑल, ये तो लिख लेंगे आप, ठीक है ना, ये सारे नाम आप लिख लेंगे तीनों। अच्छा कई बार ऐसा होगा ना कि हो जाता आईपीसी नेम नहीं हो, या फिर ट्रिवियल नेम भी आपको नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, पर क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि नाम जो है उससे सही स्ट्रक्चर बन जा रहा है, उससे सही स्ट्रक्चर यही वाला बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो समझ दीजिएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मान लो मोर देन वन चॉइस आ गया और ये भी नाम लिखा है और कुछ और भी नाम लिखा है ना, तो वो दूसरा वाला भी सही है अगर जो स्ट्रक्चर तक आप सही पहुंच पा रहे हैं तो, ठीक है ना। जैसे इसको लिख लो आप, जैसे इसको बोल दें, तो देखो यहां ये नहीं होता तो क्या होता है, फिनॉल होता है, और फिनॉल होता है, और इसके रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, तो इसको हम लोग चाहो तो ऐसे लिख दो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल का मतलब क्या हो गया, फिनॉल मतलब क्या, फिनॉल का मतलब ये,
और इसका ऑर्थो कौन है, ये और ये, इसके क्या हाइड्रोक्सी का मतलब OH। तो नाम से भी अगर पहुंच पा रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। चलो तो वो जो होता है वो होता है इसकी केस में कैटेकॉल बोलते हैं इसको, तो ये होता है बेटा कैटेकॉल। ये होता है, देखो ध्यान से, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है कैटेकॉल, वो होता है कैटेकॉल, प्लीज इसको याद रखना है कैटेकॉल, कैटेकॉल। इसका नाम लिखने हैं क्या लिखेंगे, बेंजीन 1.3 डाई, बेंजीन 1.3 डाईऑल, या फिर क्या बोलते हैं फिनॉल, सॉरी मेटा पे है ना ये, यहां पे मेटा लगा देते हैं, एम लिख देते हैं, एम हाइड्रोक्सी फिनॉल, इसका पी हाइड्रोक्सी फिनॉल पैरा पे है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रिसॉर्स इनॉल, कॉमन नेम, बहुत कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, रिसॉर्स इनॉल वेरी इंपॉर्टेंट नेम, रिसॉर्स इनॉल कैटेकॉल, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनॉल, 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 तीनों ही इंपॉर्टेंट नेम, तीनों कैटेकॉल, रिसॉर्स इनॉल एंड हाइड्रोक्विनॉल, ठीक है, ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं प्लीज, ठीक है। चलिए आगे, अब एक ऐसा एक और है, ऐसी इसी नहीं, ऐसा एक और इस तरह से इंजन पूछ रहा है, तो सीएसपी लगा दिया, वो इस लगा दिया, यहां सीएसपी लगा दिया, वो इस और यहां पे सीएसपी लगा दिया। अच्छे से आपको मालूम है क्या, आईपीएसी लिख लेंगे आप आराम से, एक 1,2 है, एक 1,3 है, एक 1,4 है, ठीक है ना, इस पे लगा हुआ क्या मिथाइल है ना, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 मिथाइल बेंजिनॉल, 3 यहां से 1, 2, 3 मिथाइल बेंजिनॉल, 4 मिथाइल बेंजिनॉल, ये तो आप लिख लेंगे, और लिख भी लीजिए, मैं बोल रहा हूं तो उससे लिख लीजिए इसका नाम प्लीज, आईपीएसी लिखना जरूरी है, ठीक है। अब इनका नाम जो होता है कॉमन नेम भी होता है ना, क्या होता है कॉमन नेम भी होता है, आपने ही देखा है ऐसे जब होता है दोनों सी एस थ्री लगा हो तो जाइलिन बोलते हैं इसको, ऑर्थोमेटा पैरा जाइलिन, ऑर्थो ये है, यहां होता है मेटा होता है, यहां होता है तो पैरा होता है, दो ओएच लगे हो दोनों यहां पे ओएच लगे हो तो अभी आपने देखा क्या नाम होता है उसका, ओएच और ओएच लगे हो तो क्या बोलते हैं उसको, ये इस वाले को बोलते हैं कैटेकॉल, फिर यहां पे लगाओ तो रिसॉर्सिनॉल, यहां पे लगाओ तो हाइड्रोक्विनॉल। ऐसे ही देखो हमने क्या किया, यहां से एक जगह से सी एस थ्री लिया और एक जगह से ओएच लिया, एक जगह से सी एस थ्री लिया और एक जगह से ओएच लिया, तो अब क्या नाम होगा इसका, तो अब जो नाम होगा वो होता है क्रिजॉल, क्रिजॉल बोलते हैं इसको, इनको बोलते हैं क्रिजॉल्स, क्रिजॉल्स बोलते हैं इनको, तो ये है ऑर्थो क्रिजॉल, ऑर्थो क्रिजॉल, ये है मेटा क्रिजॉल और ये है पैरा क्रिजॉल, ऑर्थोमेटा पैरा, ऑर्थोमेटा पैरा क्रिजॉल, ये एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन में है, ये मेटा पोजीशन में और ये पैरा, तो ऑर्थो क्रिजॉल, मेटा क्रिजॉल एंड पैरा क्रिजॉल, प्लीज इनको याद रखना है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। सी ये पूरा जो बेंजीन वाला सीरीज चल रहा है ना, ये पूरा बेंजीन वाला सीरीज ही इंपॉर्टेंट है यार, आपको थोड़ा समय लगेगा लेकिन प्लीज इनको याद रखिएगा, आई नो कि समय लगेगा, घबराने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है, जरूरत नहीं है, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगला देखो, मान लो यहां पे साइनाइड वाला ग्रुप लगा हुआ, सीएल लगा हुआ है ना, तो इसका नाम क्या होगा, बेक, तो इसको बोल देंगे ये बेंजीन और ये कार्बन, कार्बन जब एक्सक्लूड होता है तो बोलते हैं नाइट्राइल, इंक्लूड होता है तो, और यहां पे एक्सक्लूड है तो क्या बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अब जरा समझना इसी को, अब मान लो कॉमन वाला लिखना है इसका, तो ये वाला तीनों गायब हो गए, बेंजीन से थी और ये तीनों बॉन्ड अलग अलग, मतलब तीनों बॉन्ड किसी और से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं बेंजो, तो इसको बोलेंगे बेंजो नाइट्राइल, बेंजो नाइट्रो, बेंजो नाइट्रो, क्लियर हो गई बात, ये क्लियर हो गई बात, आया ना,
31 ये देखो, अब यहाँ लगा CHO, तो ये हो गया एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड। जरा समझना, इसी को बॉन्डिंग के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखें, C डबल बॉन्ड O और H, ऐसा ना, ऐसा ही ना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसका आईपीसी लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, आईपीसी लिखेंगे क्या बोलेंगे, बेंजीन, बेंजीन, और ये एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड ना, तो एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अल यूज करते हैं, या अगर कार्बन है एक्सक्लूड हो गया तो कार्बन डिहाइड, तो बेंजीन कार्बन डिहाइड, बेंजीन कार्बन डिहाइड, बेंजीन कार्बन डिहाइड, बेंजीन कार्बन डिहाइड। लेकिन अगर जो इसका आपको कॉमन नेम लिखना है, कॉमन कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या लिखेंगे बता दो जरा, यहां पे देखो जरा, यहां से ये जो बेंजीन से कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से दो वाले बॉन्ड फ्री है, तो उसको बोलते हैं बेंजल, क्या बोलते हैं बेंजल, तो इसका नाम हो जाता है बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। प्लीज फोकस, फोकस करिए, इसका नाम क्या हो गया, बेंजल डिहाइड। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, बेंजल डिहाइड थोड़ा और हमने इंक्लूड कर लिया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट ये ले लो, ये मान लो यहां पे ऐसा लगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ठीक है ना, तो ये कीटोन वाला हो गया, कीटोन वाला हो गया, यहां से देखो ये कीटोन है, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, सिंपल सा नाम, मिथाइल फिनाइल कीटोन बोल देंगे इसको। अगर मान लो ऐसा जुड़ा हो, डाई फिनाइल कीटोन, डाई फिनाइल, देखो ना दोनों तरफ कीटोन है तो डाई फिनाइल कीटोन, सिंपल सी बात। चलो अगला देखो, 34 देखिए, एक ये जरा समझना है इसको, ये भी बहुत फेमस है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं क्यूमीन, क्यूमीन ऐसे याद रखना, इसको बहुत फेमस नाम ये भी है, क्यूमीन बोलते हैं, क्यूमीन। अच्छा ये मत समझिएगा कि आगे आएगा नहीं, आगे आएगा तो आप डर जाएंगे, नहीं आगे आएगा तो भी मैं बताऊंगा आपको, धीरे धीरे ही करना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी, बहुत घबराने वाली चक्कर नहीं है, ऑर्गेनिक में ये भी जब आएंगे चल के तब भी हम इसको डील करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप नेक्स्ट जो है आपका यहां पे NH2 मान लो लगा हो, ये बहुत ही फेमस, अगेन इट इज फेमस, जैसे फिनॉल वाला फेमस था, टोलुइन वाला फेमस था, वैसे ये भी फेमस है, और इसको बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन बहुत ही फेमस नाम, क्या नाम है इसका, एनिलीन, क्या नाम है, एनिलीन, प्लीज याद रखना इसको, एनिलीन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और 36 एंड 37, 36 देखिए, अब 36 देखो क्या हो, 36 में हमने ऐसे लिख दिया, यहां पे लगा दिया NH और यहां पे लगा दिया CH3, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, N से जुड़ा हुआ है, N मिथाइल बेंजीनामीन, N मिथाइल बेंजीनामीन, इसको बोल सकते हैं आप बेंजीनामीन बोल सकते हैं इसको, दिस आल्सो कॉल्ड एज आईपीसी का हो जाएगा इसका, ये भी आईपीसी में कंसीडर किया जाता है बेटा, ध्यान रखना बेंजीनामीन, ठीक है। अब आते हैं, अब इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये समझे बहुत दूर जाएंगे तो चलेगा, मैं बताने वाला हूं, प्लीज वो मत भूलिएगा, उनको आप याद कर लीजिए, कॉपी के टॉप पे लिख लीजिए, कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लीजिए, कहीं लिख दीजिए, ये दोनों नाम आपको बताने वाला हूं, और ये दोनों नाम प्लीज याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईआईटी एडवांस का फेवरेट है ये, आईआईटी फेवरेट, समझना, नीट वीट में फेवरेट, ऐसा नहीं सिर्फ आईआईटी का ही है ना। देखो ध्यान से, ये COOH OH एक मॉलिक्यूल ये, और दूसरा मॉलिक्यूल ये COOH O C डबल बॉन्ड O CH3। पिछले कुछ सालों से आईआईटी ने इन दोनों ही नाम से लगभग लगभग हर साल सवाल किए हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से, लेकिन किया है कहीं ना कहीं से, कहीं रिएक्शन के बीच में आ जाएगा, कहीं डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब किसी ना किसी फॉर्मेट में ये दिखे हैं आपको, ठीक है, और कॉमन नेम के ही फॉर्म में दिखे हैं ये दोनों, कॉमन नेम के ही फॉर्मेट में ये दोनों दिखे हैं, जिसमें से ये वाला जो होता है इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड,
सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं इसको. दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड एंड दिस वन इज कॉल्ड एज एस्पिरिन. एस्पिरिन इसको बोलते हैं एस्पिरिन एंड दिस वन इज सैलिसिलिक एसिड. एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड COH COH OH लगा हुआ है यहां पे और यहां पे एस्टर लगा हुआ. इसका अगर जब आप IUPAC नेम लिखें IUPAC तो IUPAC तो लिख लोगे ना यार. क्या है ये वन कार्बन ये टू टू पे क्या लगा हाइड्रोक्सी टू हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड. बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं आप इसको बेंजोइक एसिड या फिर क्या बोल सकते हैं आप या फिर क्या बोल सकते हैं टू हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका नाम लिखें तो क्या बोलेंगे ये वन कार्बन है ये टू और टू पे देखो ये एस्टर तो है लेकिन सी से नहीं जुड़ा हुआ है तो कैसे नाम लिखते हैं इसका. इसका नाम लिखते हैं क्या एल्केनोइल ऑक्सी. एल्केनोइल ऑक्सी इसको लेके बोलते हैं एल्केनोइल और ये वाला हो जाता है ऑक्सी. तो क्या है तीन तो इथेनोइल टू पे क्या लगा हुआ इथेनोइल ऑक्सी इथेनोइल ऑक्सी टू इथेनोइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये एस्पिरिन बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड. एक बार तो IIT ने यही क्वेश्चन पूछ दिया कि चार ऑप्शन दे दिया देखो इसका नाम एस्पिरिन है. चार ऑप्शन दे दिया और चारों ऑप्शन में आपसे ये पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप. और मजेदार बात मालूम क्या थी मजेदार बात ये थी कि चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन ऐसे थे जिनके नाम में एसिड आ रहा था जिनके नाम में ही एसिड आ रहा था और एक ऑप्शन था ये एस्पिरिन. एक ऑप्शन ये था एस्पिरिन. तो बहुत सारे लोग तो इसको तो ऐसे ही निगलेक्ट कर देते कि एस्पिरिन तो ही नहीं सकता इसके नाम में एसिड नहीं है बाकी में तुक्का उक्का लगाते. तो ध्यान रखिए IIT ऐसी इसीलिए इंपॉर्टेंट है मतलब वो कुछ यूनिक आंसर दिख रहा है तो जरूर एक बार को आपको सोचने के लिए मजबूर करता है. और अगर जो मजबूर तभी कर पाएगा वो जब आपको चीजें याद नहीं होंगी जब आप सही से पढ़े नहीं होंगे. लेकिन अगर जो आपने नोट्स के हर एक चीज आपके दिमाग में सेट है सारी चीजें आप पढ़ के गए हैं यकीन मानिए आपको ये डाउट क्रिएट नहीं होगा. ओके चलिए तो IUPAC का ये सेगमेंट पूरी तरह से आज खत्म होता है. आप लोगों को कॉन्ग्रेट्स. आप लोगों ने बहुत मेहनत के साथ बहुत पेशेंसली इस चैप्टर को पूरी तरह से किया. अब एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि इनके सारे इनका प्रायोरिटी ऑर्डर सारे रूल्स और ये जो बेसिकली लास्ट वाला जो सेगमेंट हमने पढ़ाया आपको प्लीज इनको याद रखिए. याद रखने की कोशिश करिए टाइम टाइम पे डेली रिविजन करिए आपको अपने आप याद हो जाएगा. ये थोड़ा समय लगता है केमिस्ट्री ऐसी है कुछ चीजें मेमोराइज रखनी पड़ती है तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे. देखते हैं हो सकता है फिजिकल की स्टार्ट करें या इनऑर्गेनिक की स्टार्ट करें. लेट्स सी कल से ही आपको मिल जाएगा लेक्चर उसका. आज के लिए इतना रहने देते हैं ना. थैंक यू वेरी मच.